एक्सेस बरसात की, ज़्यादा बरसात होने की वजह से आपका अभी भी फसल खराब हो रहा है। मैं देख रही हूँ कि इतने दिन से नेता लोग सब घूम रहे हैं, कोई कहीं घूम रहा है तो कोई कहीं घूम रहा है, पर किसी ने भी आज तक, स्पेशली गहलोत साहब जिनका ये काम है और जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लंपी और आपके मुआवजे की बात, उनको तो मैंने इम्पोर्टेंट ही नहीं लगा। अब मैं सुन रही हूँ कि उन्होंने कुछ कहा है कि बहुत जल्दी दे देंगे, पर हम लोगों के सबके दिमाग में क्वेश्चन मार्क लगता है जब ये बहुत जल्दी दे देने की बात करते हैं, क्योंकि 10 दिन में वो आपको मुआवजा क्या बोलते हैं आपको, 10 दिन के अंदर वो करने वाले थे, वो भी नहीं हुआ। पिछले बार भी, पिछले साल भी उन्होंने यही कहा था जहाँ फसल खराब हुआ था कि बहुत जल्दी करवा देंगे, वो पिछले साल का ही अभी तक नहीं हुआ है, तो इस साल के ये दो जो खराबे हुए हैं उसका क्या, मैंने कौन विश्वास कर सकता है कि ये सरकारें करके देगी। इसी में बिजी हैं सब लोग, एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं, किसी को मतलब नहीं है किसान का क्या हो रहा है, गाय का क्या हो रहा है। क्या बहुत कम समय बचा है, 350 दिन, अगर पूरे 18 तारीख तक आप उसको गिनो तो अप्रॉक्सीमेटली 350 दिन। बट आप किसी भी सेक्शन को पूछ लो, चाहे वो युवा हैं, रीट और मैंने पेपर लीक और इनकी बात करेंगे, आपके व्यापारी हैं उनकी अलग समस्या है, आपके किसान हैं उनकी अलग समस्या है, हर एक आदमी की कोई ना कोई समस्या है जो समस्या अभी तक सॉल्व नहीं हुई और सब दुखी। देन आपको याद होगा हमने कहा था कि 50 यूनिट बिजली हम मुफ्त सब लोगों को दे देंगे, परंतु जो हमने सब किसानों से बात की अभी, उनका ये कहना है कि 1 और 2 रुपए प्रति यूनिट बढ़ गया है, घटा नहीं है बिजली के दाम जो है, और ये सरचार्ज भी फ्यूल का लगा दिया गया है, तो नेचुरली बिजली के प्राइसेस ऊंचे हो रहे हैं, और अब के टाइम के बिल के अंदर 1.5 गुना फर्क है, तो बहुत महंगा है, कैसे मैनेज करेंगे लोग अपने। जो बिजली आती है जगह जगह जहाँ भी मैं गई हूँ, कहते हैं आती है जाती है, और जितना प्रॉमिस किया है वो हमें नहीं मिलती। तो इसी तरीके से अभी बजट के अंदर भी उन्होंने प्रॉमिस बिजली के लिए जनता मत, तो मैंने पता कि